हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया है मई जून के एग्ज़ामिनेशन को लेकर। इतने सारे बच्चों की डिमांड थी कि OBE हो जाए, पर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने बच्चों की कोई बात नहीं सुनी। पवन वड़ाना सर, सावी मैम, इन लोगों ने इतनी कोशिश की, लेकिन फिर भी DU एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों की OBE की मांग को नहीं सुन रहा है और उसने आज एडमिट कार्ड तक रिलीज़ कर दिया। वो भी मोड है ऑफलाइन मोड, फिजिकल मोड में पेपर लेगा। लेकिन अभी भी सावी मैम ने हार नहीं मानी है। सावी मैम सुप्रीम कोर्ट तक मूव कर गई हैं। अब देखते हैं क्या होता है। फ्राइडे तक मोस्ट प्रोबेबली हमारे OBE केस का सुनवाई हो जाएगा। DU ने सारी तैयारी कर ली है कि पेपर वो ऑफलाइन मोड यानी फिजिकल मोड में ही कंडक्ट कराएगा। तो आज DU ने एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिया है। तो कैसे इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है, ये सारे स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें गूगल ओपन करना है या फिर क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। और फिर जो ये वेबसाइट का नेम है http://slc.uod.ac.in, इस पे सर्च करेंगे तो हमें एक वेब पेज पे ले जाएगा। तो हमारे सामने ऐसा स्टूडेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा और इस स्टूडेंट पोर्टल पे हमें साइन इन करना है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना है। जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था ना फॉर्म फिल करते समय, वो वाला यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना है। अगर जो आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। और यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालते ही आपको लॉगिन करना है। फिर लॉगिन करते ही आपको कुछ ऐसा वेब पेज खुला हुआ मिलेगा। स्टूडेंट पोर्टल पे क्लिक करते ही हमारे सामने ऐसा पोर्टल ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे सबसे टॉप पे मेन्यू लिखा हुआ है, मेन्यू पे हमें क्लिक करना है। मेन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे स्टूडेंट एंड एग्ज़ामिनेशन लिखा हुआ आएगा। तो जो ये एग्ज़ामिनेशन वाला है, इस पोर्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी तीन ऑप्शन आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन, हॉल एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट्स। तो हमें हॉल एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है। और जब हम हॉल एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा पेज खुलकर आएगा। और यहाँ पर हमें दे रखा है, यहाँ पे गिवन है 2021 to 2022 में रेगुलर। और ये है एनरोलमेंट नंबर यहाँ गिवन है। और यहाँ पे एक्शन के नीचे व्यू लिखा हुआ है। तो जब हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा। हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है। अब हमें इसे व्यू करना है, एज अ PDF ये व्यू होगा। और आप चाहें तो इस एडमिट कार्ड को प्रिंट भी करा सकते हैं। वैसे तो प्रिंट करा कर ही ले जाना है एग्ज़ामिनेशन हॉल में, ये ले जाना अपने साथ बहुत ही कंपलसरी है। तो इस तरीके से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। इसके वेबसाइट का जो लिंक है उसको हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।